लहंगा है ना ये। अरे वाह कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। तेरी शादी में ना मैं यही लहंगा डालूंगी, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। यार पता भी नहीं चला हम कितने जल्दी बड़े हो गए। और इसकी शादी भी आई है, मेरी पता नहीं कब होगी। अरे श्रुति अपना लहंगा तो बता। ये देखो कौन है, बाद में बात कर लूंगी। अरे श्रुति बेटा कब से खांसी जा रही है। हे भगवान इतना बुखार हो रखा है, इतना पसीना भी आ रहा है। उठ जरा, एक तो घर के कामों में तेरे पे ध्यान ही नहीं गया। ये ले, ये पी ले, कल डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। पी ले शाबाश। नेक्स्ट पेशेंट बैठिए। श्रुति जी क्या समस्या है आपको? डॉक्टर साहब इसको बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, खांस खांस के इतना बुरा हाल है, नींद तक नहीं आई है रात को। अच्छा खांसी कितने समय से है? लगभग 3 हफ्ते हो गए होंगे। अच्छा सूखी खांसी है या बलगम वाली खांसी है? बलगम वाली डॉक्टर साहब। अच्छा बलगम में खून तो नहीं आता है? ठीक है। और बुखार आता हो रात को? हाँ जी डॉक्टर साहब। और पसीना बुखार के साथ? बहुत ज्यादा आता है। ठीक है बलगम जांच के लिए लिख रही हूँ, वो आपने करा के आना। फिर रिपोर्ट्स आएंगी तो मेरे को चेक करा। डॉक्टर साहब रिपोर्ट्स आ गई। अच्छा तो आपको टीबी डायग्नोज हुआ है? भगवान अब हम क्या करेंगे? अरे माता जी इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, 6 महीने का कोर्स होता है टीबी की दवाइयों का, वो आपको पूरा करना है तो ठीक हो जाएगा। तो मैं दवाइयाँ लिख देती हूँ, ये दवाइयाँ आपको डॉट सेंटर में मुफ्त में मिल जाएंगी। तो बस ये है कि कोर्स पूरा करना है और मास्क लगा के रखना है घर में भी। श्रुति बेटा इतना काम है घर पे, क्या कर रही है तू? चल मेरे साथ बाजार से इतना सारा सामान लाने को बाकी है। हाँ बस दवाई खा लूं। अरे छोड़ ना, अब तो तेरी खांसी भी ठीक होगी, फालतू में दवाइयाँ खाती रहेगी। और चल। अच्छा ठीक है चलो। देखिए इनको जो टीबी है वो कॉम्प्लिकेट हो चुका है। मैं को ये बताओ कि इनको टीबी था पहले? टीबी तो नहीं, हमें तो नहीं पता कुछ ऐसा। आपको टीबी था कभी? अच्छा तो दवाई ली थी आपने पूरी? नहीं ली थी, क्यों नहीं ली थी? अक्सर खांसी जुकाम तो ठीक हो गया था और फिर शादी हो गई तो उसके नहीं गई पूरी। अच्छा देखिए इन्होंने दवाई नहीं ली थी ना पूरी टीबी की, तो अब उसके कारण ही इनको टीबी जो कॉम्प्लिकेट हो चुका है। तो चलो डॉक्टर साहब इसका असर हमारे पोते पे तो नहीं होगा? प्रेग्नेंट है ये? हाँ जी।
देखिए मैं अब मेरे को ना गायने वाले डॉक्टर से थोड़ी करनी पड़ेगी डिस्कशन, उसके बाद आपको करता हूँ आपसे बात, ठीक है? ठीक है। अरे सब क्या हुआ हमारी बेटी? अरे हमने बताया नहीं आपकी बेटी को टीवी है? और उसने भाई कोर्स ही पूरा नहीं किया। यह कोर्स उसने हमने किया। अरे छह महीने का कोर्स होता है, आपने करवाया थी बेटी को पूरा? करवाया था ना। नहीं वो शादी की तैयारियों में लगे रहे हो, फिर उसकी खांसी ठीक होगी तो फालतू में दवाइयां तो मिला। अरे इस तरह से हमारे होने वाले पोते भी पड़ेगा। आपको पोते की पड़ी ना, मेरी बेटी बीमार है। अरे क्या कर रहे हो आप? आपको पता है दशरथ कितनी बीमार है? एक चिंता मुझे पहले ही कम है जो आप लोग भी चिंता दे रहे हो। प्रेगनेंसी के दौरान अगर ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हो जाए तो 20 हफ्ते से पहले ज़्यादातर पेशेंट्स को यही एडवाइस किया जाता है कि वो अबॉर्शन करा लें। लेकिन अगर पेशेंट प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना चाहती है तो उन दवाइयों को हटा दिया जाता है जो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन टीबी की दवाइयों का कोर्स पूरा करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे की ग्रोथ पर असर पड़ सकता है या फिर बच्चे को जन्मजात टीबी भी हो सकता है। ठीक है अभी देखिए, बच्चा भी ठीक है और ये भी ठीक है वैसे, पर इनका टीबी कॉम्प्लिकेट हो चुका है और मैं नहीं चाहती कि बच्चे और माँ दोनों को बहुत असर बुरा असर पड़े इस चीज़ का, तो यही रहेगा सही कि आप इनका अबॉर्शन करा दें। नहीं मुझे अबॉर्शन नहीं करवाना। ये क्या बोल रहे हैं आप, हमें अपना पौधा चाहिए, हमें नहीं पता, ठीक करो उसको। देखिए फिर बच्चा अगर पैदा हुआ तो उसे बहुत कॉम्प्लिकेशन आएंगे। आप दवाइयाँ दीजिए ना इसकी, कुछ तो उपाय होगा। तो फिर आप लोगों ने क्या सोचा है? डॉक्टर साहब कोई तरीका नहीं है कि मेरा बच्चा बच सके। देखो मैंने दूसरे डॉक्टर से भी कंसल्ट किया था, तो अगर आप सच में चाहती हैं कि आप इस बच्चे को रखना चाहती हैं तो ये जो नया कोर्स है टीबी का आपको पूरा करना पड़ेगा, और इस बार आपको दवाइयाँ खाना बिल्कुल नहीं छोड़नी है, देख लेना, नहीं तो फिर आपके बच्चे को भी बहुत कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा और आप स्वस्थ रहें तो ये दवाइयों का कोर्स आपको इस बार पूरा करना है और तभी आपका बच्चा स्वस्थ पैदा होगा, ठीक है? ये दवाइयाँ मैंने लिख दी हैं इस बच्चे को, आप डोर सेंटर से ले लीजिए, ठीक है? तो हमने देखा कि टीवी की पेशेंट ने दवाइयों का कोर्स पूरा किया और उनका बच्चा भी स्वस्थ पैदा हुआ। पर एक बहुत जरूरी बात, टीवी की बीमारी के दौरान बच्चे को माँ का दूध पिलाना बंद नहीं करना है। प्रेगनेंसी के दौरान दी जाने वाली दवाइयाँ बच्चे पे कोई बुरा असर नहीं करती, तो सही समय पर जांच और इलाज कराएं ताकि हम टीवी को जड़ से खत्म कर सकें।